हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपनी परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आप सब बिल्कुल भाई, आप सबका स्वागत है एग्जामपुर चैनल पे। तो आप लोगों का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा, और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो, शुभ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि है हमारी नेटवर्किंग मेन डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि कुछ रिपीटर होता है ना, क्या होता है भाई रिपीटर? अगर हम बात करते हैं राउटर होता है, क्या होता है राउटर? हम बात करते हैं हब होता है, स्विच होता है। तो ये जो हम उपकरण की बातें करते हैं, बेसिकली ये चीज़ें होती क्या हैं? तो आज हम जो मेन शब्दावली हैं उनको पढ़ेंगे और उनको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो क्लास को रेगुलर लेना, आप पुराने स्टूडेंट बन जाएंगे और चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी, है ना? ओके, राधे राधे जी, जय अम्बे माँ की, जम अम बोले मस्ती में डोले। चलो तो करें स्टार्ट हम क्लास को। एक बार जल्दी से क्लास को भाई लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स की भी क्लास में लाइव आ सकें। क्लियर? चलो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं। बिल्कुल भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ, बाकी आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे भी रहना चाहिए, है ना? चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जिस नेटवर्किंग डिवाइस की, तो वो है रिपीटर। अच्छा, रिपीटर क्या होता है? रिपीटर क्या होता है? रिपीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? जाहिर सी बात है, ये सारे के सारे क्या है? तो नेटवर्क डिवाइस है। तो पहला पॉइंट तो आ ही जाएगा कि ये भी क्या होता है, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस होता है। क्या होता है? तो ये भी एक नेटवर्क डिवाइस होता है। चलो, ये तो हमने मान ली बात कि रिपीटर क्या है आपका। रिपीटर एक तरीके का आपका नेटवर्क डिवाइस है। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, रिपीटर काम कैसे करता है? रिपीटर काम कैसे करता है? ओके, अच्छा युवराज जी, क्लास नाइन्थ में हैं आप? हाँ, तो यहाँ पे देखो, राउटर रिपीटर तो फिर आपके में नहीं होगा। अगर ICSE बोर्ड है तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग के लिए, तो करता है बट कैसे? तो देखो, अगर मैं बात करती हूँ रिपीटर की, तो रिपीटर का काम क्या करता है? तो रिपीटर पहले सिग्नल को रिसीव करता है और उसके बाद उसको वापस बाहर दे देता है। मतलब अगर मैं एक रिपीटर बनाती हूँ यहाँ पर, तो रिपीटर के बेसिकली दो पिन होते हैं ना। रिपीटर डिवाइस कुछ इस तरीके का होता है। तो रिपीटर को लगाया जाता है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करेगा भाई, इसका तार वायर यहाँ से कनेक्ट होगा और ये वायर कनेक्ट होगा कहीं आगे से। ये क्या करता है रिपीटर? रिपीटर आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि करंट को तो लेगा, सिग्नल को लेगा, बाहर से तो सिग्नल को लेगा, एनालॉग सिग्नल को लेगा और उनको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो अपने अंदर उनको क्या कर देता है, उनको एक हाई लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। रिपीटर क्या करता है, तो जो सिग्नल होते हैं, रिपीटर का काम होता है सिग्नल को बाहर से लेना, सिग्नल को बाहर से लेना और फिर उसको अपने अंदर हाई लेवल में कन्वर्ट कर देना, फिर उसको अपने अंदर ले जाकर एक हाई लेवल में, एक उच्च स्तरीय में कन्वर्ट करने का काम होता है रिपीटर का, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, हाई लेवल में बदल कर उसको आगे पहुंचा देता है। अब देखो, आप पूछोगे कि मैम ये कहाँ इस्तेमाल होता है, हम लोग पढ़ तो रहे हैं। अच्छा, क्लास में बच्चे बहुत कम हैं आज, चलो कोई बात नहीं। देखो, जितने बच्चे रेगुलर हैं भाई, आप लोग पढ़ो। जो कहते हैं ना, जो सोता है वो खोता है। बाकी देखो, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी भाई, क्लास रेगुलर लिया कीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं सीखनी होती है ना, तो आपको मेहनत भी नहीं करनी होती। हम कहते हैं भाई, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं सुधर रहा, तो जब आप नहीं बदले तो आपका रिजल्ट कैसे बदलेगा? तो अगर आपको अपना रिजल्ट बदलना है तो आपको खुद में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, आप लोग रेगुलर लो, बाकी मैं यही बोल सकती हूँ, बस शेयर कर देना। चलो तो देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं, हाँ जी, यहाँ पे हम बात करते हैं रिपीटर की। देखो, कई बार क्या होता है, तो जो हमारा इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, बहुत रुक रुक के स्पीड आती है, लोडिंग 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 दिखाता रहता है। तो उस समस्या को हल करने के लिए हम रिपीटर डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीटर क्या करेगा, इंटरनेट को लेगा। अब आपने शायद MTNL का अगर ले रखा है नेटवर्क, तो क्या करेगा, ये यहाँ से डिजिट्स को, ये जो बिट्स होती हैं, इंटरनेट को लेगा और अगर कोई बिट बीच में छूट जाती है, नहीं काम कर रही है, बेकार हो गई है, तो उन बिट को अपने आप ही बना देता है। तभी तो इसका नाम रिपीटर है, रिपीट करता है, अपने आप उनको जनरेट कर देगा और फिर एक उच्च स्तर में बाहर की तरफ भेज देगा। मतलब जो भी इंसान अगर इंटरनेट पर काम कर रहा है और रिपीटर उसने लगवा रखा है, तो उसका इंटरनेट कभी भी बफरिंग नहीं करेगा, आराम से बहुत ही स्मूथली उनका इंटरनेट या नेटवर्क चलता है। आया समझ में? हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, रिपीटर कहलाता है। और ये काम भी कैसे करता है, रिपीट करने का काम करता है। क्वेश्चन बनता है कि OSI लेयर की कौन सी लेयर पे काम करता है, जो मैं लिखवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रही हूँ। तो रिपीटर आपका OSI लेयर के फिजिकल लेयर में काम करता है। रिपीटर आपका OSI लेयर का फिजिकल लेयर होती है, जो सबसे पहली लेयर होती है।
फिजिकल लेयर जो होती है ना, ये सबसे पहली लेयर होती है. अब देखो, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फिजिकल लेयर पढ़ी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बात हो रही है. तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फिजिकल लेयर और ओएसआई लेयर क्या होती है. अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश आ गई, कोई नहीं. देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर ये ओएसआई लेयर होती क्या है. तो देखो, ओएसआई लेयर आपकी क्या होती है, तो ये एक ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन है. ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन है, ठीक है. यहाँ पे ओएसआई लेयर टोटल 7 लेयर में डिवाइड है. जो आपका नेटवर्क काम करता है ना, वो ओएसआई मॉडल पे काम करता है. इंटरनेट TCP/IP पे करता है, लेकिन नेटवर्क ओएसआई लेवल पे काम करता है. और ओएसआई लेवल में कुल कितनी लेयर होती हैं, तो इसमें कुल होती हैं 4 लेयर. कितनी, 7, सॉरी कितनी हो गई भाई, 3 हो गई, 6 हो गई, तो 6 ही हुई है. यहाँ पे एक और बना लूँ, तो ओएसआई लेयर में कुल 7 लेयर होती हैं. और इसको हमेशा नीचे से गिना जाता है. ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर और सातवीं. अब इन लेयर के हम नाम लिखेंगे, तो जिनको पता है एक बार नाम लिख के बता दीजिए. हाँ जी, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, अभी आएगा समझ में. रुक जाओ, अभी समझ में आएगा. मैं देखती हूँ भाई, समझा रही हूँ कैसे समझ में नहीं आता, हम छोड़ेंगे ही नहीं से जब तक समझ में नहीं आता. देखो, पहली लेयर होती है आपकी कौन सी, फिजिकल लेयर. पहली होती है कौन सी, फिजिकल लेयर, ठीक है. उसके बाद कौन सी लेयर आ जाती है, तो फिजिकल लेयर के बाद आ जाती है आपकी डाटा लिंक लेयर. कौन सी आ जाती है, तो डाटा लिंक लेयर. डाटा लिंक लेयर के बाद आ जाती है आपकी कौन सी लेयर, तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांसपोर्ट लेयर. कौन सी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट नहीं, आई थिंक वो होती है नेटवर्क लेयर होती है भाई, ट्रांसपोर्ट तो दिल बोला जाता है इसे. ये होती है आपकी कौन सी, नेटवर्क लेयर आती है, ठीक है. उसके बाद कौन सी लेयर आती है, उसके बाद चौथे नंबर पे आती है ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आती है आपकी सेशन लेयर. सेशन लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, तो सेशन लेयर के बाद आती है आपकी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर आती है, प्रेजेंटेशन लेयर. और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर. अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या था. फिर आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर. आपने बहुत बार, जब भी आप नेटवर्किंग या इंटरनेट पढ़ोगे ना, 100% है इसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे. अब देखो ये क्या होता है. हाँ जी, बिल्कुल ठीक. फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, और फिर उसके बाद आ जाती है सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन. देखो, खिचड़ी हो रही है हिमांशु ठाकुर जी, कहाँ खिचड़ी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या. यहाँ तो मेरे को विजिबल दिख रहा है. हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ पे. अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये सारी लेयर का, तो ये लेयर होती क्या है. तो बेसिकली ये जो लेयर यहाँ पे बनाई गई हैं, ये कोई एक ऐसी, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, ठीक है. ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक मॉडल है. OSI एक मॉडल था. जब नेटवर्क बनना शुरू हुआ, पहले कहाँ किसने जोड़ा था कि भाई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकता है. किसने सोचा था कि एक कंप्यूटर को आप प्रिंटर से जोड़ सकते हो, या कंप्यूटर को एक लैपटॉप से जोड़ा जा सकता है, कंप्यूटर को कीबोर्ड से जोड़ा जा सकता है. तो ये जब नेटवर्किंग होनी शुरू हुई थी, तो उसके लिए एक रूल निकाला गया था कि जो नेटवर्किंग होगी या जो आपका मॉडल चलता है नेटवर्क का, वो इसी के ऊपर होगा. सबसे पहले प्रेजेंटेशन, सबसे पहले आप एप्लीकेशन को देखोगे. तो जो हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ इन 3 लेयर को ही देखते हैं. हम लोगों को पता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन क्या है. हम लोगों के पास फ़ोन है और इसके अंदर एप्लीकेशन है. हम सिर्फ एप्लीकेशन को देखकर क्लिक करते हैं, क्लिक करते के साथ ही वो खुल जाती है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन. हमने एप्लीकेशन को क्लिक करा, खुल गई, वो होती है प्रेजेंटेशन. अब खुलने में वो कितना टाइम ले रही है, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, वो होता है सेशन टाइम. कितना टाइम उसने ओपन करने के लिए लिया. हम तो बस इसी पे हैं, लेकिन बाकी का काम कंप्यूटर बैकएंड पे करता है, पीछे करता है. तो जब सेशन आ जाता है, तो फिर वो डाटा को ट्रांसपोर्ट करना शुरू करता है. अगर आपके हार्ड डिस्क में डाटा है, तो हार्ड डिस्क उठा के आपके स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक है. उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर का काम होता है नेटवर्क को आपस में जोड़ना. कौन से नेटवर्क पे आप काम कर रहे हो, कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हो. अगर ईमेल कर रहे हो, तो मेलिंग का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करोगे, ठीक है. उसके बाद आता है डाटा लिंक लेयर. जिस भी डाटा को आप देख रहे हो, उसके आपके नेटवर्क से लिंक कर देना कि भाई ये आईपी एड्रेस है, ये व्यक्ति है जो कि दिल्ली में रहता है, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसको यूट्यूब पे एग्जामपुर की कंप्यूटर की क्लास देखनी है. तो आपके डाटा को लिंक करने का काम. उसके बाद आता है फिजिकल लेयर. ये सबसे नीचे वाला लेयर होता है, जो कि कोडिंग का काम करता है, जो कि आपके कोड को सीक्रेट में बदल देता है, ताकि अगर कोई तीसरा बंदा आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहे, तो वो उसको ना पढ़ पाए. तो ये एक मॉडल होता है बेसिकली. ये
जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि जो रिपीटर है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। रिपीटर आपका जो, ये सारी नीचे से शुरू होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो आपका जो रिपीटर होता है वो ओएसआई लेयर की पहली लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है। ओके, आया समझ में अब? चलो बहुत अच्छी बात है। TCP/IP में आपकी चार लेयर होती है, कई जगह आप पांच भी देखोगे, बट TCP/IP में आपकी चार ही लेयर होती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया, ये बना लेना भाई, OSI लेयर है ये, ठीक है, OSI मॉडल है। चलो आगे आप देखोगे तो रिपीटर के बाद अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर हब के बारे में। अच्छा, हब को और स्विच को ऐसे लिखना, एक तरफ आप लोग लिखना हब, एक तरफ आप लोग लिखना हब और एक तरफ आप लोग लिखना स्विच। ये दोनों एक साथ पढ़ने वाले टॉपिक है, नहीं तो इनमें कन्फ्यूज़न बनी ही रहती है, ठीक है। स्विच को और हब को आप लोग एक साथ लिखना। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा स्विच होता है और कौन सा हब होता है। चलिए आगे समझ में? ओके, वेरी गुड। चलो अब हम बाद में बात करते हैं। हाँ जी, नोट बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाइए, बहुत काम आएंगे और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ऊपर से शुरू नहीं कर सकते सपना जी, क्यों नहीं कर सकते मैं ये भी बता देती हूँ। देखो, ऊपर से आप शुरू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग क्या हो, आप लोग एक यूज़र हो, हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे बात होती है जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्रामर है जो कि प्रोग्राम को बनाता है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, तो वो हमेशा नीचे से ही पढ़ना उसको शुरू करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा हम एज अ प्रोग्रामर की तरफ से ही देखते हैं चीज़ों को। चलो तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भाई जो हब होता है और स्विच होता है, जाहिर सी बात है ये दोनों भी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। हब और स्विच ये दोनों भी कौन सी डिवाइस होती हैं? तो है हब और स्विच ये दोनों भी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं। कौन सी होती हैं? तो हब और स्विच ये दोनों भी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो हब किस में देखा है आपने? हब देखा है स्टार टोपोलॉजी में, हमने कल ही पढ़ा था ना इसके बारे में। हब हमने देखा है स्टार टोपोलॉजी के अंदर, कहाँ देखा है? तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है? तो स्टार टोपोलॉजी में हब काम क्या करता है? तो सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। अब दोनों में अंतर देखना मैं यहाँ पर बता रही हूँ ध्यान से। अब देखो क्या होगा, क्या होगा इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हब है, यहाँ पे पिन लगे हुए हैं, पोर्ट लगे हुए हैं भाई, यहाँ पे आपस में इसके क्या है, कंप्यूटर कनेक्ट है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, पांच कंप्यूटर, छह कंप्यूटर, ठीक है। ये हब है, यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक स्विच, यहाँ पे मैंने एक डिवाइस बनाई, ये स्विच है, ये बहुत बड़ा होता है, इसके बहुत सारे पोर्ट होते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर इसमें भी आपस में कनेक्ट होते हैं। बट डिफरेंस जो आएगा वो देखना आप, डिफरेंस क्या होगा, इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से स्विच की मदद से। यहाँ पे जो कंप्यूटर जुड़े हैं वो स्विच की मदद से जुड़े हैं, ठीक है, इसमें आप लिख लेना स्विच। आप देखो दोनों में अंतर क्या होता है, पहले ध्यान से समझेंगे उसके बाद लिखना है, पहले समझ लेना। देखो जो आपका हब होता है ना, हाँ जी, देखो जो आपका हब होता है, हब काम क्या करता है, डाटा को एक से दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा। लेकिन हब होता है हमारा डंप, हब होता है हमारा बेवकूफ, इसको नहीं पता। हब क्या करता है, सबको डाटा भेज देता है। जैसे ये कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर ए के पास डाटा है, कंप्यूटर ए चाहता है, यहाँ पे लिख लो बी कंप्यूटर, सी कंप्यूटर, डी कंप्यूटर, ई कंप्यूटर, एफ कंप्यूटर, जी कंप्यूटर। कंप्यूटर ए चाहता है कंप्यूटर एफ को कोई फाइल भेजना, इसके पास कोई फाइल है P1 के नाम से। अब ये क्या करेगा, हब को भेजेगा P1 फाइल। हब क्या करेगा, उस फाइल को बी को भी भेज देगा, सी को भी भेज देगा, डी को भी भेज देगा, ई को भी भेज देगा, एफ को भी भेज देगा और जी को भी भेज देगा। हब क्या करता है, जो फाइल इसको मिलती है सबको भेज देता है। अब भाई जिसके काम की है वो पढ़ लो, जिसके काम की नहीं है वो मत पढ़ो, ये करता है हब। इसलिए हम इसको बोलते हैं डम्ब होता है, बेवकूफ़ होता है, बुद्धू होता है, ऐसे नहीं पता क्या करना है। तो हब क्या करता है, फाइल को सारे में सर्कुलेट कर देगा, लेकिन भाई जिस बंदे को पढ़ना है वही ओपन करता है, बाकी ओपन नहीं करते हैं, उसके अंदर ऑथेंटिक यूज़र भी होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं बात करती हूँ, हाँ जी, वही अगर मैं बात करती हूँ स्विच की, तो स्विच बिल्कुल स्मार्ट होता है, तभी हम बोलते हैं स्विच हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। नेटवर्किंग का सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सा है पता है? नेटवर्किंग का सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सा होता है, यहाँ पे लिखना इंटेलिजेंट डिवाइस, क्लियर। नेटवर्किंग का सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस, सबसे दिमाग वाला डिवाइस होता है स्विच, स्विचिंग भी बोलते हैं कई जगह। ये क्यों इतना दिमाग वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर होती है मेमोरी, इसके अंदर तो मेमोरी नहीं है भाई। जब दिमाग ही नहीं होगा तो इंसान बुद्धू होगा, जब दिमाग होगा तो इंसान दिमाग लगाता है। तो स्विच के अंदर मेमोरी होती है जो कि चीज़ों को स्टोर करती है।
तो अगर यहाँ पर A1 कंप्यूटर को F1 को क्या भेजना है, कोई फाइल भेजनी है, तो ये यहाँ पर स्विच को भेजता है कि भाई मुझे F1 को फाइल भेजनी है, और स्विच के पास सबके लिए अलग तार है, सबके लिए अलग वायर होती है, तो स्विच सिर्फ वो फाइल F1 को ही भेजेगा, बाकी किसी को नहीं भेजता। तो ये खासियत होती है स्विच की, स्विच इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट यूज़र होता है, ये फाइल सिर्फ उसी कंप्यूटर को भेजेगा जिसके लिए बोला गया है, क्योंकि स्विच के अंदर होती है मेमोरी और हब के अंदर मेमोरी नहीं होती, इसलिए हब हमारा क्या होता है, थोड़ा सा बुद्धू होता है, ठीक है। हाँ, डीपी के लिए अरुण जी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डीपी के लिए पूछ रहे हो, दिल्ली पुलिस के लिए क्लास ले सकते हो, तैयारी ही होगी, लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ना चाह रहे हो तो शुरू से डीपी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए जो आपकी क्लास होगी तो वो आप 1 बजे वाली लेना, 1 बजे वाली क्लास मैं ज़्यादा मैंडेट करूँगी। ट्रिपल सी के लिए कौन सी क्लास ली, तो जानवी जी ट्रिपल सी के लिए एग्जामपुर पे 1 बजे क्लास होती है और टेकपुर पे भी 1 बजे होती है, ठीक है। ट्रिपल सी के आप एग्जामपुर की 1 बजे वाली क्लास लेना और दिल्ली पुलिस के लिए भी। ये वाली क्लास मेनली जो बनाई गई है वो राजस्थान पुलिस पटवार को और सुपर टेट को ध्यान में देखकर बनाई गई है, ठीक है। चलो आया समझ में यहाँ पे, क्लियर है भाई, हब क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ओके। चलो आगे चलें, यहाँ पे अब हम बात करते हैं गेटवे की। अब नेक्स्ट डिवाइस आप लोग लिखना गेटवे। अच्छा, गेटवे भी आपका कैसा है, तो गेटवे भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है, क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे डिवाइस की, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट डिवाइस लिखोगे गेटवे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गेटवे, क्लियर। यहाँ पे आप लोग लिखोगे गेटवे। अभी जो गेटवे होता है ये डिवाइस कैसा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो गेटवे भी आपका कैसा है, ये भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे आपके एक नेटवर्क डिवाइस हैं। ये सारे के सारे आपके कैसे डिवाइस हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे आपके एक नेटवर्क डिवाइस कहलाते हैं, गेटवे भी आपका नेटवर्क डिवाइस है। दीपक जी थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ, डाटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, और गेटवे का क्या काम होता है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे, हाँ जी, गेटवे का और काम क्या होता है, तो देखो गेटवे काम होता है, गेट हमारा जो मेन गेट होता है, घर में गेट होता है हम लोगों की, तो हमारे गेट का काम क्या होता है, आना और जाना। घर के अंदर के लोगों को अगर बाहर जाना है तो गेट खोल के जाना पड़ेगा, बाहर के लोगों को घर के अंदर आना है गेट खोल के आना पड़ेगा। ऐसे ही डाटा को अगर आप इन और आउट करना चाहती हो, अगर आप डेटा को अंदर और बाहर भेजना चाहते हो, आप डेटा को इन और डेटा को आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कहाँ इस्तेमाल होता है, आप ऑनलाइन काम करते हो, जाहिर सी बात है हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, हम लोग इन ऑनलाइन काम करते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो PDF हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें अपलोड भी करते हैं। अगर हमने कोई पिक्चर बना रखी है तो हम अपना भी डाटा अपलोड करते हैं, तो हम जो डाटा को इन और आउट कर रहे हैं, डाटा को हम ले रहे हैं और दे रहे हैं, जो हम डेटा का लेन देन करते हैं, जो डेटा का लेन देन किया जाता है वो गेटवे के थ्रू ही होता है। अगर मैं गेटवे हटा दूं, गेटवे होता है ये NIC जो होता है, मेरे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसी के अंदर, ठीक है। तो गेटवे का काम होता है डाटा को पास करना, ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो अगर बाहर का डेटा आपके अंदर आ रहा है कंप्यूटर के, तो गेटवे से गुजर कर आएगा, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी वायरस है तो वहीं पर रोक देगा, बाकी चीज़ों को वो अंदर लेकर आता है, ठीक है, ओके, आया समझ में, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये गेटवे होता है, इन और आउट करने का काम इसी का होता है। चलिए, आया समझ में, वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं राउटर की। नेक्स्ट आप लिखना है यहाँ पे राउटर के बारे में, तो ये गेटवे है, गेट जैसे काम करता है इन आउट का, वैसे इसका काम होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे यहाँ पे राउटर, तो गेटवे हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक डालने वाले हैं अपना राउटर। अच्छा, राउटर क्या होता है, तो राउटर भी आपका एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर भी हमारा एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस होता है। कैसा होता है, तो ये भी हमारा भी नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, राउटर भी हमारा एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस होता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है, राउटर अगर नेटवर्किंग डिवाइस है तो ये काम कैसे करता है, अच्छा वायरस से डर लगता है, हाँ वायरस के लिए फायरवॉल होता है। देखो नॉर्मली वैसे तो हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले से ही कंप्यूटर के अंदर भी एक आपका एंटीवायरस लगा होता है जिसका नाम होता है फायरवॉल, ठीक है। चलो भाई बताइए भाई, राउटर कैसे काम करेगा, हाँ जी राउटर काम कैसे करता है, देखो राउटर का एक दूसरा नाम बिल्कुल बता रहे हो आप, इंटरकनेक्टिंग होता है,
ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है सपना जी, वाइड एरिया नेटवर्क जोड़ा जाता है राउटर से, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं राउटर की, हाँ सपना कुमारी जी नेटवर्क को पाथ, अच्छा आप दोनों एक साथ ही रहते हो क्या सपना जी? हाँ दोनों के कमेंट भी साथ ही आते हैं, ऑफलाइन कमेंट में देखती हूँ तो आप दोनों के कमेंट भी साथ में आते हैं। इतना डीप नहीं जा रही दीपक जी, तो बिल्कुल भी डीप नहीं जा रही डीप, तो इसके अगर मैं बताऊँ ना बहुत अंदर है यार, इसके अंदर क्या क्या सर्विस होती है, कैसे रजिस्टर होते हैं, उतना डीप नहीं जा रही, मैं सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पढ़ा रही हूँ, डीप नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये सारे आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सिलेबस से बाहर है, सिलेबस के अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलो तो भाई राउटर की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है, राउटर आपका एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है। अगर मैं बोलूँ ब्रॉडकास्ट के लिए, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है भाई पूरे जगह किसी चीज़ को फैलाना, इंटरनेट है ना, तो अगर वाइड एरिया नेटवर्क को आप कनेक्ट करना चाहते हो, अगर वाइड एरिया नेटवर्क को आपस में आप कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप इंटरनेट को आपस में जोड़ना चाहते हो, इंटरनेट की हर एक चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को आपस में जोड़कर काम करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे हम राउटर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ जी, किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे भी राउटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्लियर है, चलो आगे हम यहाँ पे बात करेंगे राउटर के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो राउटर जो होता है आपका OSI लेयर की कौन सी लेयर पे काम करता है, राउटर जो होता है वो OSI मॉडल, अभी मैंने इससे पहले बनाया था ना, तो राउटर जो होता है वो आपका OSI की कौन से लेयर पे काम करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो राउटर होता है, राउटर आपका OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दूँ मैं, अगर नेटवर्क आपका नेटवर्क लेयर हो गई, और आपकी लेयर हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर और सेशन लेयर, तो राउटर कौन से पे काम करेगा, राउटर कौन से पे मतलब कौन सी लेयर पे काम करता है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, राउटर आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। क्लियर, राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, तो राउटर OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है, कौन से लेयर पे काम करता है, तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, क्योंकि नेटवर्किंग का ही तो काम है। चलिए आगे देखिए भाई, ओके चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्किंग समझ में आ गया भाई कि राउटर कैसे काम करेगा, क्या काम होता है इसका। अच्छा अच्छा, इसकी अगर पूछा जाता है इसकी स्पीड कितनी होती है, तो इसकी स्पीड कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, इसकी स्पीड होती है 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक की। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करती हूँ गति की, तो राउटर की जो गति होती है, राउटर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा तो नहीं होती, इसकी स्पीड होती है 10 Mbps से मेगाबिट पर सेकेंड, है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है मेगाबिट पर सेकेंड, एक सेकेंड में आप 10 मेगाबिट को डाउनलोड या अपलोड कर सकते हो, तो इसकी जो गति होती है 10 Mbps से 100 Mbps तक की होती है, कितनी, 10 Mbps से 100 Mbps तक की इसकी गति होती है। क्लियर, ठीक है, चलो आया समझ में, वेरी गुड, हाँ जी याद रखना। तो यहाँ पे देखो जैसे राउटर की हम बात करते हैं, तो ब्रॉडबैंड राउटर होता है, सब्सक्राइबर राउटर होता है, तो बहुत अलग अलग राउटर होते हैं अलग अलग काम के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब करते हो, सेटअप बॉक्स लगाते हो, उसका अलग राउटर आता है, ब्रॉडकास्ट का अलग राउटर आता है। चलो आया समझ में, ओके चलो यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी देखो अगर कैसा भी डाउट होता है तो वो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ और अलग जानकारी भी चाहिए तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कल की स्टार्टिंग की क्लास में आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो भाई क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड। हाँ, लेयर के बारे में कल हम पढ़ते हैं। ठीक है मानशु जी, वैसे लेयर के बारे में बहुत अच्छे से आज भी एक्सप्लेन कराए, बाकी हम चीज़ों को पढ़ेंगे कल, तो तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।